हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ न्यू मॉम एंड बेबी व्लॉग। तो आज का व्लॉग है जो कि टर्किश एग बनेगा। और टर्किश एग इसका नाम है, टर्किश में टर्की में से कहते हैं मेनेमन करके, और बहुत ही टेस्टी है। ब्रेकफास्ट में यूज़ होने वाली रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। मैं आपको यहाँ से टेस्टी बता सकती हूँ, तो बहुत यम्मी बना था ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इस तरीके से ये बनता है, बनने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। ऐसी ग्रेवी देखिए कितनी ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत बेसिक मसालों से ये बनता है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। और इसे मैंने फुल कुक किया है। टर्किश में टर्की में जो बनता है उसको ये हाफ़ कुक रहता है, और जैसे आपका आप जिस तरीके से खाते हैं आप उससे बना सकते हैं उस तरीके से। देखिए तो इसके लिए मैंने पैन में 2 टू 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। इसे हीट होने देंगे। हीट होने के बाद में मैं आपको बता दें कि इसमें फाइनली चॉप ऑनियन हमें डालना है। मैंने 1 मीडियम साइज़ ऑनियन लिया है। इतनी ऑनियन में देखिए आपकी ग्रेवी कितनी ज़्यादा बनेगी। और ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जल्दी से बन जाता है। अगर आपके पास गेस्ट है कोई है तो आप जल्दी से बना सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हाफ मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास चॉप है तो आप चॉप भी डाल सकते हैं, चॉप करके फ्रेशली भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट डाला है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के नए नए वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ मैंने टोमेटो लिए, जिसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आप फाइनली चॉप नहीं कर पाएंगे तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए। इसको इसी फ्लेम पे हम लोग हाई फ्लेम पर भी थोड़ा सा पकने देंगे ताकि इसका जो है वो टमाटर है वो थोड़ा सा गल जाए। देखिए अभी तक इसमें मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं। देखिए ऑनियन और ये दोनों भी अच्छे से मिक्स हो गया है और काफ़ी पका हुआ भी है। देखिए यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून ये लिया है चिली रेड पाउडर, और यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। हल्दी मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है। मैं 3 एग के लिए बना रही हूँ तो इतनी क्वांटिटी 3 एग के हिसाब से बता रही हूँ। आपका क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ऑरिगानो जो रहता है अगर आपके पास है तो वो इसे डाल दीजिए, वो इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है डालना। अगर नहीं है आपके पास तो आप मिंट ऐड कर सकते हैं। देखिए ये 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिए हैं, और मैंने ज़ीरा और ब्लैक पेपर का पाउडर था वो डाला था। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रश करके ब्लैक पेपर को ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक शामिल कर दिया है इसमें। इसको अब थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाले जो वो अब इस ग्रेवी में पक जाए थोड़े से। देखिए थोड़ा पकने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 1/2 कप के करीब मिल्क। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं ज़्यादा डालते हैं, इसमें थोड़ा सा मिल्क डालते हैं ताकि थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर, मतलब क्रीमी ग्रेवी बने। इसलिए टर्की में ज़्यादातर रेसिपीज में मिल्क या फिर कर्ड या फिर क्रीम यही सब ऐड करते हैं। और यहाँ पे टोमेटो सॉस है, मैं 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो सॉस, नॉर्मल ये मैगी का टोमेटो सॉस है किसान का, आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर आप स्वीट नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर ये फ्लेवर जो है ना स्वीट एंड थोड़ा सेवरी वही फ्लेवर का बनता है। ये टोमेटो केचप डालने से इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है।
आप जैसे नॉर्मल, नहीं तो हम लोग बनाएंगे तो वो नॉर्मल हम लोग का इंडियन तरीके का हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ड्राइड मिंट है वो डाल दिया, अगर आपके पास ड्राइड मिंट नहीं है तो आप इस जगह पे फ्रेशली मिंट भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। अभी आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ग्रेवी किस तरीके की बन रही है। और यहाँ पे मैंने गार्लिक की क्रीमी मेयोनीज लिया, अगर आपके पास प्लेन है तो आप उसमें ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दीजिए और जो गार्लिक है उसको फाइनली चॉप करके ऐड कर दीजिए। उसका बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है रॉ गार्लिक का भी। इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेंगे, नहीं तो फिर ये इसके लम्स बन जाएंगे। देखिए आप होममेड भी मेयोनीज बना सकते हैं, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताना, मैं आपको उसकी भी रेसिपी बता दूंगी कि होममेड ये कैसे बनाना है, मेयोनीज कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे अभी ग्रेवी थोड़ी कम लग रही क्योंकि ये बॉईल होते और भी कम हो जाएगा, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दिया है। और अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेशली कोरिएंडर भी यूज़ करेंगे। आपके पास अगर बेसिल है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपके पास मिंट नहीं है तो। और यहाँ पे हम लोग इसे धीरे से ही इसको पैन में ही डायरेक्ट डाल देंगे, इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको इसी तरीके से बस रख लेना है इसमें। या तो आपको गरम ज़्यादा लग रहा है तो आप एक बाउल में निकाल कर और फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को ग्रेवी के ऊपर ही रख देना है। ये टर्की में इसी तरीके से रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि यूनिक रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने अमूल का चीज़ लिया है, चीज़ क्यूब, और उसको हम लोग ग्रेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप कितना खाना चाहते हैं, कितना आपको चीज़ पसंद है उस हिसाब से आप डालिए। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी आपको पैन में देख के ही अच्छा लग रहा होगा कितना यम्मी दिख रहा है ये। अभी ऊपर से था जो हमने एक डाला है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑरेगानो डाल देंगे। आप अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो यहाँ पे आप रेड चिली पाउडर भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने ढक के 2 मिनट के लिए पकाया था और उसके बाद फ्लेम बंद कर दिया था, फिर भी जो है ये पक जाता है काफ़ी। तो अगर आप रनी योग पसंद करते हैं तो आप इसे डालने के बाद ढक दें और बंद कर दें, तो ये अपना जितना ग्रेवी जितना गर्म है उसी से वो पक जाएगा, ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, तो हार्ड बॉयल हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत आसान है बनने वाला, अगर आपके पास अगर डिनर में कोई ऑप्शन नहीं या फिर ब्रेकफास्ट में गेस्ट हैं कोई तो आप ये बना सकते हैं। दिखने में भी आपको सर्व करने में बहुत अच्छा लगेगा, गेस्ट के सामने दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा ये। और सब लोग आप पूछेंगे कि आपने ये क्या बनाया है, बहुत में तो हमेशा गेस्ट आते हैं तो ये चीज़ तो ज़रूर बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम स्टे सेफ़।